हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमेडी। सो आज हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बात करने वाले कि क्रूड ऑयल के जो 21 अक्टूबर फ्यूचर चल रहा है वो यहाँ पर करंटली मार्केट में किस तरह से चल रहा है और यहाँ पर आपको किस तरह का प्राइस मोमेंटम जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जिस तरह का प्राइस मोमेंटम यहाँ पर हमें क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि हमने यहाँ पर कल आपके सामने यहाँ पर बात की थी, नियरली एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल यहाँ पर हमारे पास दैट इज क्रूड ऑयल के अंदर लगा हुआ है, दैट इज एट द प्राइस ऑफ अराउंड दैट इज 5625 के आसपास एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल है। उस बार देख सकते हो कि कितनी पॉजिटिव रिकवरी यहाँ पर हमें अपसाइड डायरेक्शन में देखने को मिली है, जो कि एकदम रिस्क टेकर और एकदम पेशेंस ट्रेडर होंगे। यहाँ पर नियरली 5650 के आसपास भी लॉन्ग पोजीशन ली होगी, तो टारगेट आप देख सकते हो नियरली 5650 से लेकर 5950, दैट इज ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का जो टारगेट है, 300 या फिर 200 पॉइंट्स के जो टारगेट्स वो यहाँ पर हमें अच्छे होते हुए देखने को मिले हैं। बट यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो अभी करंटली जो लेवल पे यहाँ पर क्रूड ऑयल के जो फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं वो एक अच्छा से ऑल टाइम हाई प्राइस के हिसाब से अगर सेशन के हिसाब से बात करें तो जरूर ट्रेड कर रहे हैं। अगर यहाँ पर सस्टेन करता है 5955 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है लॉन्गिटिविटी के अंदर, अगर एक अच्छा सा प्रेशर बनाता है तो और अच्छा सा अपसाइड का जो टारगेट है क्रूड ऑयल के अंदर यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। RSI का जो भी प्राइस मोमेंटम है उसके अंदर भी यहाँ पर हमें ब्रेकआउट जरूर यहाँ पर देखने को मिल चुका है। सो हम यहाँ पर वेट कर सकते हैं कि किस तरह का प्राइस मोमेंटम जो है यहाँ पर हमें फॉलो होते हुए देखने को मिल सकता है। सो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर प्राइस यहाँ पर जिस तरह से मूव ऑन हो रही है उसके हिसाब से यहाँ पर हमें किस तरह का टारगेट एज वेल एज यहाँ पर जो साइकोलॉजी वो रखनी चाहिए। MACD का जो प्राइस मोमेंटम है वो करेंटली बुलिश मोमेंटम पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, बट फिर भी जो पॉसिबिलिटी और जो सेशन रहेगा वो पूरा 5955 के ऊपर अगर यहाँ पर कैंडल्स अगर ब्रेक करना स्टार्ट करती है तो बहुत ही अच्छा सा टारगेट यहाँ पर हमें अपसाइड के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से फिर से ट्रेंड रिवर्सल होता है तो यहाँ से हमें शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए भी रेडी रहना चाहिए। 30-40 पॉइंट्स के टारगेट है जो हम यहाँ पर इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट पोजीशन के अंदर भी। और फॉर अ रिस्क फ्री अगर आप कोई ट्रेडर हो तो 5885 का प्राइस लेवल अगर यहाँ पर तोड़ता है, ब्रेक करता है डाउनसाइड के लेवल के अंदर, तो आप यहाँ पर जो है शॉर्ट पोजीशन बनाने का सोच सकते हो। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, एज वेल एज ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।